Hello students, welcome to the 15th class on current affairs, and in today's class we'll be dealing with S-400 air defense missile system. Now in this class, first of all, we'll be learning why this S-400 air defense missile system is important for India. Secondly, we'll be dealing with what are its capabilities. इसका कैपेबिलिटी क्या है S-400 का, इंडिया के डिफेंस को किस तरह से ये प्रोटेक्ट करेगा, किस तरह से ये सिनर्जाइज करेगा इंडिया के डिफेंस को. थर्डली विल बी अंडरस्टैंडिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएसए इन रीसेंट पास्ट ऑन द डिफेंस फ्रंट. थर्ड फोर्थली विल बी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन यूएसए एंड इंडिया एंड ऑल्सो USA's relationship with India from the lens of Russia. Fifthly, we'll be also understanding CARTSA. So in this class, basically we'll be understanding this importance of S-400 from different perspectives. Now what is this S-400 air defense system? Like all of you know, जो डिफेंस सिस्टम है एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज है दुनिया भर का, डिफेंस कैपेबिलिटीज वो बहुत इंक्रीज हो चुकी हैं. देयर हैज बीन अ सब्सटेंटिव इंक्रीज इन द डिफेंस कैपेबिलिटीज. अर्लियर द वॉर्स वर फॉट ऑन फुट, बट नाउ द वॉर्स आर आइदर एस्केलेटेड टू द लेवल ऑफ न्यूक्लियर वॉर्स और दे हैव एस्केलेटेड टू द वॉर ऑफ एयर. मीन्स मिसाइल्स का यूज बहुत होने लग गया है डिफेंस में और वॉर में, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स एयर. नाउ व्हाट इट मींस, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स एयर डिफेंस. एयर डिफेंस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एयर डिफेंस का कैपेबिलिटी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है. एंड हाउ कैन दैट बी डन? दैट कैन बी डन इफ वी विल हैव lot of missiles in our kitty, and we will also have the capability to defend India against the missiles jo andar aake Hindustan ko strike karenge. Pehle air ko defense protection ke liye pehle khud mein bahut sara missiles ko develop karna hai. Secondly, hame apna anti missile defense system develop karna hai. To do cheeze hai yahan pe. 1985 में इंडिया ने डिफेंस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू किया अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत सारी मिसाइल्स को डेवलप किया, अग्नि सीरीज, नाग सीरीज, आकाश सीरीज. इन सब मिसाइल्स ने इंडिया को बहुत प्रोटेक्शन दे दिया. बट हमारे जिस तरह हमारे पास साथ पाकिस्तान है और हमारे साथ चाइना है, इन कंट्रीज का भी जो डिफेंस का कैपेबिलिटीज है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है, एयर डिफेंस एडीपी जो इनका है वो भी इन्होंने बहुत इंक्रीज कर लिया है बिकॉज दे हैव ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड न्यूमरस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स. नाउ इन सच अ सिनेरियो, इफ अ मिसाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम पाकिस्तान इन इंडिया और द मिसाइल इज लॉन्च फ्रॉम चाइना इन इंडिया, हाउ कैन इंडिया प्रोटेक्ट इटसेल्फ? फॉर दैट इंडिया was in the need of air defense missile system, and this is something that we have acquired from Russia recently. We have entered into an agreement. To panch hum S-500 acquire karenge Russia se. Iska cost rahega 39,000 crore rupees. Itne paise ka ye panch hamare paas S-500 aayega. Teen hum deploy karenge against Pakistan. दो का डिप्लॉयमेंट होगा अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान. कोई भी मिसाइल जो 400 किलोमीटर से इंडिया की तरफ आएगा, ये उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट मिसाइल लॉन्च करेगा, और जो भी इंडिया के अगेंस्ट मिसाइल अटैक होने जा रहा है उसको स्टॉप करेगा. सो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस S-400. ये तो इसका रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है, एंड ऑल्टीट्यूड वाइज 30 किलोमीटर्स ऊपर तक
ये कोई भी इनकमिंग जो मिसाइल आएगा इंडिया में उसको ये रोकने में इंडिया की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा. दिस इज हाउ इट विल बी हेल्पिंग इंडिया इन स्ट्रेंथनिंग इट्स एयर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. बट वाई दिस S-400 इज इन न्यूज? अभी तो दो चीजें हमने समझा है कि इंडिया को क्यों जरूरत है, क्योंकि दो हमारे पास एडवर्सरीज हैं. इसका कैपेबिलिटीज क्या है वो हमने समझ लिया है. बट रिसेंटली S-400 इसलिए न्यूज में है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डजेंट वॉन्ट इंडिया टू साइन दिस एग्रीमेंट विद रशिया. बिकॉज रिसेंटली USA हैड कम आउट विद अ लॉ दैट इज काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. ये वाला एक्ट है काटसा एक्ट. इस एक्ट के अंडर अमेरिका ने धमकी दिया है इंडिया को कि अगर इंडिया ईरान के साथ, अगर इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ और रशिया के साथ कोई रिलेशन रखेगा तो इंडिया के अगेंस्ट सैंक्शंस इम्पोज कर दी जाएंगी, इकोनॉमिक सैंक्शंस. नाउ बिकॉज USA इज एन इकोनॉमिक पावर, इट कैन इन्फ्लिक्ट लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंजरी एंड पेन ऑन इंडिया. तो ये धमकी दिया है, सिर्फ इंडिया को नहीं दिया है. दिस लॉ हैज बीन पास्ड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अमेरिका डजेंट वॉन्ट रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ. अभी रशिया अगर इंडिया को सेल करेगा 39,000 करोड़ रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा रशिया को. सो प्रैक्टिकली अमेरिका डजेंट वॉन्ट रशियन डिफेंस इंडस्ट्री टू प्रॉस्पर. इट वॉन्ट दैट देर शुड बी डिक्लाइन इन द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ रशिया. देखिए इंडिया जो है, इंडिया का रिलेशनशिप सिर्फ रशिया के साथ बेटर नहीं हुआ है. अगर डिफेंस सिस्टम को देखा जाए, इंडिया का रिलेशनशिप USA के साथ भी बहुत अच्छा हुआ है. बिकॉज रिसेंट पास्ट में अगर हम चले जाएं, इंडिया और USA के बीच में 3 एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो साइन हुए हैं. वन इज कॉम का सा, सेकेंड इज बैका PECA एंड थर्ड इज लेमुआ. 3 एग्रीमेंट है, कॉमकासा, बैका एंड लेमुआ. ये हमारे एग्रीमेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डिफेंस को लेके. अब ये 3 एग्रीमेंट्स क्या हैं डिटेल में, इन एग्रीमेंट्स को हम 16th क्लास में, इन तीनों एग्रीमेंट्स को हम समझेंगे. ऐसा नहीं है कि इंडिया का सिर्फ सिर्फ रशिया के साथ रिलेशनशिप है, डिफेंस एंगेजमेंट है. इंडिया का डिफेंस एंगेजमेंट USA के साथ भी है. एंड रिसेंटली इंडिया का जो 2+2 एग्रीमेंट है, 2+2 टॉक्स शुरू होने जा रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड दीज 2+2 टॉक्स विल बी रिलेटेड मोस्टली टू द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया. So this is an important development that has taken place on the front of defense. This is important from GS mains paper 2 plus this is also important from GS mains paper 3. So you must cram what is about Comcasa, Baca and Lemua, and you must also learn about Katsa. Ye bahut important, maine already a class kiya hua hai, current affair series se pehle ka class kiya hua hai. Tomorrow we'll be dealing with these 3 agreements. So this was all for the day. Now if you have any sort of query with respect to this lecture, you can contact me at 84594-0000. And you can also join our offline classes at Delhi Center or at Chandigarh Center. Bye-bye, take care, have a nice day.